हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में मैं क्लास टू मैथ्स की टेस्ट सीरीज से पहला टेस्ट पेपर आपको दे रही हूं ये टेस्ट पेपर है 60 मार्क्स का इस टेस्ट पेपर के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे सो so, स्टूडेंट्स इस टेस्ट पेपर में अगर आप 60 मार्क्स स्कोर करते हैं तो इट मीन्स यू आर एक्सीट अगर आपके मार्क्स 59 नाइन टू फिफ्टी के बीच में है इट मींस यू आर वेरी गुड अगर आप स्कोर करते हैं 54 फोर टू फोर्टी के बीच में इट मीन्स यू आर गुड और आप, अगर आपके मार्क्स 45 से कम है तो इट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस तो आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हमें यह जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर तो आइए देखते हैं ये टेस्ट पेपर कौन कौन से चैप्टर्स कवर करता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन इवन एंड ऑड नंबर्स टाइम एंड कैलेंडर फ्रैक्शंस पैटर्न एंड शेप्स तो स्टूडेंट्स ये टेस्ट पेपर इन नौ चैप्टर्स को रिवाइज करने में मदद करेगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए शुरू करते हैं सो so, स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर वन है ये ट्वेल्व मार्क्स का क्वेश्चन है और ये चैप्टर टाइम एंड कैलेंडर में से है इस क्वेश्चन के ट्वेल्व पार्ट्स हैं हर एक पार्ट वन मार्क्स का है तो आपको ये सारे फिलिंदा ब्लैंक्स फिल करने हैं जैसे कि फर्स्ट है ईयर हैज डैश मंथ्स तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं वो लिखना है आपको इधर नेक्स्ट विच इज द टेंथ मंथ ऑफ द ईयर साल का टेंथ मंथ कौन सा होता है तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करिए और साथ साथ सारे मंथ्स बोलिए और फिर टेंथ मंथ को इधर लिखिए नेक्स्ट जून कम्स आफ्टर डैश तो जून मंथ जो है वो कौन से मंथ के बाद आता है हमें वो यहां मेंशन करना है अब नेक्स्ट पार्ट है विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर तो हमें पता है कि जनवरी फर्स्ट मंथ होता है तो आप इधर जनवरी लिखिए एंड मेक श्योर यू नो द स्पेलिंग ऑफ जनवरी देन वम्बर कम्स आफ्टर विच मंथ नवंबर मंथ कौन से महीने के बाद आता है हमें वो यहां लिखना है फिर नेक्स्ट पार्ट है डैश कम्स आफ्टर फेबररी फेबररी के नेक्स्ट कौन सा मंथ होता है उसके बाद कौन सा मंथ आता है वो लिखिए इधर जी पार्ट है द सेवंथ मंथ ऑफ द ईयर इज डैश अगेन अपने फिंगर्स पे आप काउंट करिए और सारे मंथ्स के नाम बोलिए और जब सेवेंथ मंथ पे पहुंच जाए उसका नाम इधर लिखिए एच पार्ट इज टीचर्स डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं हम वो इधर मेंशन करना है नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ डैश इंडिया का इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं राइट right? कौन से मंथ में करते हैं हमें वो आंसर इधर करना है जे गांधी जयंती मंथ ऑफ डैश स्टूडेंट्स हम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं विच इज नोन एज गांधी जयंती तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं उस मंथ का नाम लिखिए इधर देन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है हां जी दिसंबर स्पेलिंग ऑफ दिसंबर वो लिखे इधर लास्ट पार्ट इज टू डेज आफ्टर मंडे इज डैश मंडे के दो दिन बाद कौन सा डे आता है वो आंसर है इधर सो दिस वॉज आर क्वेश्चन नंबर वन लेट सी द सेकेंड क्वेश्चन रीड इच क्लॉक एंड राइट द टाइम तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में चार क्लॉक्स हमें हर एक क्लॉक में अलग अलग टाइम दिख रहा है हमें वो टाइम रीड करना है और टाइम लिखना है इस ब्लैंक में लाइक इन दिस फर्स्ट क्लॉक टाइम इज बींग डिपिक्टेड एज टेन थर्टी क्यों क्योंकि आवर हैंड टेन पे है और मिनट हैंड सिक्स पे है तो ये क्लॉक टाइम दिखा रही है टेन थर्टी और वी कैन कॉल इट एज हाफ पास दो वे से मैंने आपको टाइम बताया है यू हैव टू राइट द टाइम इन बोथ दीज वेट सी द नेक्स्ट क्लॉक इन दिस क्लॉक आवर हैंड इज ऑन टू एंड मिनट हैंड इज ऑन ट्वेल्व तो इसका टाइम आपने यहां लिखना है अब इस क्लॉक को देखिए ये थर्ड क्लॉक है इसमें आवर हैंड है फोर पे और मिनट हैंड है ट्वेल्थ पे ओके नाउ दिस लास्ट क्लॉक हेयर आवर हैंड इज ऑन सेवन एंड मिनट हैंड इज ऑन सिक्स तो ये चार क्लॉक्स हैं, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ फोर मार्क्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉन्टिन्यू द पैटर्न गिवन बिलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैप्टर पैटर्न में से है इसके फाइव पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का तो हमें हर एक पार्ट में पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंगली बाकी के नंबर्स यहां फिल करने हैं जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट इसमें नंबर्स हैं फिफ्टी फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी वन और फोर्टी नाइन क्या आपको कोई पैटर्न इधर दिख रहा है यस द पैटर्न इज एक तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं पर बैकवर्ड काउंटिंग में भी हम एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं जैसे कि 55 से 53 आए बैकवर्ड आए पर 54 हमने स्किप कर दिया फिर 53 से 51 आए पर 52 स्किप कर दिया तो इस तरह से आपने बाकी के ये ब्लैंक्स फिल करने हैं तो बाकी पार्ट्स भी आपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करके अकॉर्डिंगली ब्लैंक्स फिल करने हैं क्वेश्चन फोर इज फाइंड ऑल द इवन नंबर्स सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर इवन एंड ऑड नंबर्स इसके फाइव पार्ट्स हैं और ये फाइव मार्क्स का है आइए मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देती हूं वी हैव टू फाइंड ऑल द इवन नंबर्स विच आर फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि जब भी हमें फ्रॉम दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो आगे के नंबर्स हैं, जैसे कि 30 और 40, ये नंबर्स अगर इवन हैं तो हमें ये नंबर्स भी मेंशन करने होंगे आंसर में जैसे कि थर्टी टू फोर्टी के बीच में इवन नंबर्स क्या क्या हैं? एक तो थर्टी खुद है फिर थर्टी टू थर्टी फोर थर्टी सिक्स थर्टी एट एंड फोर्टी ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे वर्ड मेंशन है फ्रॉम तो इसलिए आपको थर्टी और फोर्टी दोनों ही इवन नंबर्स को अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं वी हैव टू राइट ऑल द इवन नंबर्स विच आर बिटवीन वन एंड ट्वेंटी अब जब ये वर्ड बिटवीन आ गया है ना तो इसका मतलब होता है कि हमें वन और ट्वेंटी के बीच में जो इवन नंबर्स है यानी हमें वन वो तो वैसे इवन नहीं है वन तो तो वन तो हम वैसे नहीं इंक्लूड करेंगे बट ट्वेंटी जैसे इवन नंबर है पर मैं इधर आंसर में ट्वेंटी नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि मुझे बिटवीन वन एंड ट्वेंटी का है ठीक है तो ऐसे ही आपको ये वाला सॉल्व करना है

तो इसी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में हमें रिपीटेड एडिशन गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हमें यहाँ लिखना है फर्स्ट पार्ट में हमें रिपीटेड एडिशन गिवन है टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इक्वल्स टू टेन तो इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या बनेगा इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनेगा टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव इक्वल्स टू टेन क्योंकि टू कितनी बार इधर रिपीट हो रहा है फाइव टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसी वे से आपको बी सी और ये लास्ट पार्ट डी पार्ट इन सब के आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इधर लिखने हैं नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन हैज वर्ड प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी तो मैंने यहाँ सेवन वर्ड प्रॉब्लम दी हैं। हर एक वर्ड प्रॉब्लम है टू मार्क्स की इसलिए ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है फोर्टीन मार्क्स का तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से टू बास्केट्स कंटेन सिक्सटी एट एंड नाइन्टी फाइव फ्रूट्स respectively how many fruits are there in these two baskets to pehle is word problem ko hum samajh lete hain do baskets hain first basket mein 68 fruits hain aur ninth second basket mein 95 fruits hain to hame kya batana hai हमें बताना है कि इन दोनों baskets में total कितने fruits हैं? तो what will we do in this question

टोटल कितने मार्बल्स हैं ओके सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व इट नाउ द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम इज अ मैन बॉट 86 बंडल्स ऑफ पेपर ही सोल्ड 43 बंडल्स। हाउ मेनी बंडल्स आर लेफ्ट विद हिम तो इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन uh, गिवन है कि एक आदमी के पास 86 बंडल्स थे पेपर की उसमें से उसने 43 बंडल्स सेल कर दिए यानी बेच दिए तो अब उसके पास कितने बंडल्स ऑफ पेपर बच गए हैं तो क्या करेंगे आप इसमें यस वी विल डू सब्ट्रैक्शन ओके नाउ फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम इज थर्टी सिक्स बॉल्स आर केप्ट इन वन बॉक्स हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन एट सच बॉक्सेस एक बॉक्स में थर्टी सिक्स बॉल्स रखी हुई है तो ऐसे ही आठ बॉक्सेस में कितनी बॉल्स आ जाएंगे ये हमें इसमें बताना है ओके लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन So, आपको ये सभी वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ही पहले समझनी है और फिर सॉल्व करनी है आप अपने आंसर्स जो हमने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में उनसे मैच कर सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इज कलर वन हाफ ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ये क्वेश्चन चैप्टर फ्लेक्शन में से है जहां पे हमने वन हाफ या हाफ जिसको हम कहते हैं ये समझा था तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पांच फिगर्स को कलर करना है इनका हाफ पोर्शन हमें कलर करना है दिस क्वेश्चन इज ऑफ फाइव मार्क्स क्वेश्चन नंबर एट इज कलर वन फोर्थ ऑफ ईच फिगर तो इस क्वेश्चन में भी वी आर गिवन विद फाइव फिगर्स बट हेयर वी हैव टू कलर वन फोर्थ ऑफ ईच फिगर क्वेश्चन नंबर नाइन इज डिवाइड द फॉलोइंग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चैप्टर डिविजन में से है एंड इसके एट पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन है फोर मार्क्स का तो so, यहां पर हमें डिविजन का कंसेप्ट यूज करके हर एक पार्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन टेन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर मल्टीप्लीकेशन एंड इट इज ऑफ फोर मार्क्स यहां हमें टू डिजिट बाय वन डिजिट की मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है और उसका आंसर इधर लिखना है नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द बॉक्सेस student this question is from chapter shapes and it is of 3 marks first part is how many sides a triangle has triangle ki kitni sides hoti hai? wo hame answer dena hai next how many faces a cube has cube ke kitne faces you have to write that answer here and the last is how many sides a square has square ki कितनी साइड्स होती हैं वो आंसर आपने यहां मेंशन करना है तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करिए और अपने आंसर्स हमारे आंसर से मैच करिए यू विल फाइंड द आंसर्स बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द पिन कॉमेंट हमारे पास सीरीज है क्लास टू के टेस्ट पेपर्स की तो उन्हें भी जरूर सॉल्व करिएगा ये सभी आपको हमारे चैनल लर्निंग नोटबुक पर आसानी से मिल जाएंगे Okay, bye bye, see you in the next video.